मुरादाबाद डीएम ने 2 डॉक्टरों समेत 20 मेडिकल स्टाफ को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि जनपद में कोविड-19 अस्पताल में तैनात किए गए स्वास्थ्य विभाग के 20 कर्मी लगातार ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे हैं। यहां आपको बता दें कि पहले भी जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का भी इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। जिला अधिकारी ने सभी गैर हाजिर कर्मियों को 2 मई तक ड्यूटी ज्वाइन ना करने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है। यहां आपको बताते चले कि मुरादाबाद में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए टीएमयू को कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मुरादाबाद के साथ मंडल के अन्य जनपदों के मरीजों को भी यहीं पर भर्ती किया गया है। कोविड-19 अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। कोविड-19 अस्पताल बनने के बाद से यहां तैनात किए गए 2 डॉक्टर समेत 20 मेडिकल स्टाफ गैर हाजिर चल रहे हैं। इन अनुपस्थित कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। बगैर सूचना ड्यूटी से गायब रहने के बाद अब डीएम ने सभी गायब कर्मियों को नोटिस जारी किया है। एसडीएम प्रशासन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नोटिस में सभी कर्मियों को 2 मई तक अस्पताल पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि अनुपस्थित स्टाफ 2 मई तक वापस ड्यूटी पर नहीं लौटता है तो उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही आपदा प्रबंधन एक्ट महामारी अधिसूचना की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। मेरी जानकारी में आया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि 20 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स और स्टाफ हैं कुल मिलाकर, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है, डॉक्टर भी हैं, जो कि अपनी ड्यूटी पर से अनुपस्थित हैं। उनको नोटिस जारी किया गया है और यदि वो नहीं आते हैं तो कोविड अधिनियम के तहत, महामारी अधिनियम के तहत आवश्यक सेवाओं को बाधित करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फिर किसी सेवा के योग्य नहीं हो जाए रह पाएंगे और किसी भी शासकीय सेवा में नहीं जा पाएंगे। मैं अपील चिकित्सा और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए, पुलिस की सेवाओं से जुड़े हुए, प्रशासन की सेवाओं से जुड़े हुए, अन्य किसी सेवा का व्यक्ति है जो कि इस महामारी में लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनसे सबसे मेरी अपील पब्लिक से यही है कि आप सेवा भाव से लग कर के काम करिए। दूसरी चीज़ आम आदमी से यही अपील है कि आप अपने घरों से कम निकलिए और अति आवश्यक कार्य हो तभी ही घर से निकलिए, क्योंकि ई पास की सुविधा उपलब्ध है तो ई पास के माध्यम से ही अपना पास अप्लाई करें और आपकी जेन्युइन कारण होने पर आपके पास अप्लाई स्वीकृत किए जाएंगे, लेकिन बगैर किसी औचित्यपूर्ण कारण के घरों से ना निकलिए। दूसरी चीज़ अपील ये भी करूँगा कि जिनके पास खाद्य सामग्री घर में उपलब्ध है वो पैनिक क्रिएट ना करें फ़ोन करके कि साहब मैं भूखे हूँ। तमाम लोगों ने, तमाम समाजवादी स्वयंसेवी संगठनों ने और प्रशासन की तरफ से लगातार हम लोग खाद्यान्न, पका पकाया भोजन, अब प्लस कच्चा चावल, कच्चा अनाज भी, कच्चा खाद्यान्न बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। जहां से भी मैसेज आ रहा है वहां जाकर के वितरण कर रहे हैं। तो लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है आम आदमी से कि पैनिक क्रिएट न करें। आप जहां भी रह रहे हों, जिस माहौल में रह रहे हैं, अपने को सुरक्षित रखें। और पहली चीज़, हम यदि खाद्यान्न इकट्ठा भी कर लिए तो उससे हम स्वस्थ नहीं रह पाए तो खाद्यान्न किस काम का। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, अपने पड़ोसी को भी स्वस्थ रखें, प्रशासन में जो लगा है आदमी उसको भी स्वस्थ रखें। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस और डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे। लगातार हाथ धोएं, पर डे नहाएं और नहाने के साथ साथ अपने कपड़े भी पर डे धोएं। ये जो गाइडलाइन दी गई है भारत सरकार द्वारा, चिकित्सा मंत्रालय द्वारा, उसका अच्छा सा पालन करें। लोगों से ये भी अपील है कि आरोग्य सेतु जरूर डाउनलोड कर लें। आरोग्य सेतु से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको नियमित रूप से डायरेक्शन मिलता रहता है। यदि किसी हॉटस्पॉट एरिया में हैं,
और बहुत रेड जोन में है, तो आप जैसे किसी कोरोना पेशेंट के करीब आएंगे आपको अलर्ट मिल जाएगा, आप अपनी सतर्कता बढ़ा सकते हैं। इसलिए लोगों से अनुरोध है कि आरोग्य सेतु जरूर डाउनलोड करें, आरोग्य सेतु में जो भी सावधानियां बताई जा रही हैं उन सावधानियों का पालन करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.